हेलो एवरीवन वेलकम टू साइंस एक्सप्लोअर्ड हमने कुछ दिनों पहले ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में जानकारी ली थी ऑटो इम्यून डिसीज़ में बॉडी की इम्यून सिस्टम बॉडी के हेल्दी सेल पे ही अटैक कर देती है सो so, ऑटो इम्यून डिसीज इज़ अ डिसीज़ इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी सेल वैसे तो हमारी इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है बट अगर यही इम्यून सिस्टम खुद के हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है तब ऐसे कंडीशन को ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसीज कई सारे हैं जैसे कि आर्थराइटिस ये बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है नेक्स्ट है टाइप वन डायबिटीज इंसुलिन से रिलेटेड है ग्रेविज डिसीज इसमें थायराइड ग्लैंड के जो नॉर्मल सेल होते हैं उसी सेल पे इम्यून सिस्टम अटैक कर देती है नेक्स्ट है सोराइसिस तो ऐसे कई सारे ऑटो इम्यून डिसीज के एग्जाम्पल्स हैं आज हम इनमें से ही एक डिसऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सोरासिस सोरेसिस इज ऑटो इम्यून डिसीज ऑफ ए स्किन मतलब ये स्किन का डिसऑर्डर है जो इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है सो so इसी वजह से इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है या फिर इसे ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है सोरेसिस में बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग होगा इचिंग मतलब उस रैशेस में बहुत ज्यादा खुजली होगी इसमें मोस्टली नी एल्बो ट्रंक एंड स्काल्प यहाँ पे रैशेस आ जाते हैं सोरेस इसको क्रोनिक कंडीशन माना जाता है मतलब ये कंडीशन लाइफ लॉन्ग रहने वाली है क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है ये डिसीज ठीक नहीं हो सकता है बट इसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे इस कंडीशन से थोड़ी राहत मिल सकती है So, इसकी क्या ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने ही वाले हैं बट पहले हम इसके टाइप्स जान लेते हैं इसके कई सारे टाइप्स हैं बट स्क्रीन पे दिखाई देने वाले इन टाइप्स को अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला टाइप हम देखने वाले है प्लग सोरेसिस प्लग कॉमन टाइप ऑफ सोरेसिस अबाउट एट्टी टू नाइनटी ऑफ पीपल विद सोरेव प्लग सोरेसिस इसमें स्किन पे ड्राई स्केली आ जाते हैं जनरली इसमें एल्बो लो बैक्स और नी यहाँ पे स्केली आ जाते हैं। टाइप है गटेट सोरेसिस। गटेड सोरेसिस में अपियर आफ्टर अ सोअर थ्रोट कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ये भी स्किन डिसऑर्डर है जिसमें कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं बट स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रोट इन्फेक्शन के बाद यह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें बॉडी पे स्मॉल रेड स्केली स्पॉट आ जाते हैं और यह जनरली चिल्ड्रन और यंग एडल्ट को अफेक्ट करता है नेक्स्ट टाइप है नेल सोरेसिस इट अफेक्ट फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स जिसमें नेल पे छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं जिसे पिट कहा गया है ऑल्सो नेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी और नेल का कलर भी चेंज हो जाएगा तो ये कुछ बेसिक इसके सिम्टम्स होते हैं नेक्स्ट टाइप है पॉस्टुलर सोरेसिस ये रेयर टाइप का सोरेसिस है जिसमें ब्लिस्टर के अंदर पस फॉर्मेशन होगा ब्लिस्टर मतलब छोटे छोटे ऐसे फोड़ा होंगे और उसमें पस फॉर्मेशन होगा ये जनरली पाम या सोल पे अपियर होगा नेक्स्ट सोरेसिस का टाइप है इरिथ्रोडर्मिक सोरेसिस दिस इज सीवियर टाइप ऑफ सोरेसिस दैट अफेक्ट्स अ लार्ज एरिया ऑफ स्किन तो इसमें पूरी बॉडी रैशेज से कवर हो जाएगी मोर देन नाइन्टी परसेंट स्किन इस रैश से कवर हो जाती है नेक्स्ट जो सोरेसिस का टाइप है वो है इन्वर्स सोरेसिस ये सोरेसिस जहाँ पे बॉडी में फोल्ड्स बनते हैं वहाँ पे रैशेज बनाता है जैसे कि ग्रोइंग एरिया बटक्स एरिया ब्रेस्ट एरिया तो ये जो एरिया है यहाँ पे फोल्ड्स होते हैं और उन फोल्ड्स में ही रैश बन रैश बन जाते हैं तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे इन्वर्स सोरेसिस तो जो रैशेज यहाँ पे बनते हैं वो स्मूथ रहेंगे उनके ऊपर कोई स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा और जनरली फंगल इन्फेक्शन से इस कंडीशन को ट्रिगर मिलता है तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे इनवर्स सोरेसिस तो यहां तक हुए सोरेसिस के सारे टाइप्स अभी हम इन सारे टाइप्स में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं ये जान लेंगे बट सिम्टम देखने से पहले मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी है हमने साइंस एक्सप्लोर नाम का एक एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया है तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अगर बायो से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आपको जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो डिफ़िकल्टी लिख के भेज दीजिए ताकि फ्यूचर में हम उसके ऊपर प्रिपरेशन करेंगे और जो भी कोर्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे साइंस एक्सप्लोर पर आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है कुछ स्टडी मटेरियल ये फ्री भी है और कुछ स्टडी मटेरियल ये पेड फॉर्म का भी है तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप साइंस एक्सप्लोर ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए चलिए अभी हम इसके सिम्टम्स जान लेते हैं सोरेस के सिम्टम्स क्या होते हैं तो सबसे पहला जो हमने टाइप देखा था वो था प्लग सोरेसो तो में सिम्टम्स क्या दिखेंगे पूरे बॉडी पे रैशेस आ जाएंगे और वहां पे कुछ पर्टिकुलर ऐसी बॉर्डर अपीयर्स होगी तो ये जो सिम्टम है वो सिम्टम रहेगा प्लग सोरेसिस का सेकेंड जो टाइप है वो वह हैल सोरेसिस तो नेल सोरेसिस में भी हमने सिम्टम्स कुछ बेसिक देख लिए थे तो जो नेल थे वहां खड्डे होते हैं नेल का कलर चेंज हो जाएगा ठीक है तो ये नेल सोरेसिस के कुछ सिम्टम्स होंगे नेक्स्ट जो है वो है गटेड सोरेसिस तो गटेड सोरेसिस में पूरे बॉडी पे ऐसे फोड़ फोड़ा आ जाएगा ओके okay, तो ये जो सिम्टम रहेगा वो गटेड सोरेसिस का रहेगा नेक्स्ट जो टाइप है वो है इन्वर्स सोरेसिस तो इन्वर्स सोरेसिस में जो लास्ट हमने अभी डिस्कस किया था तो इन्वर्स सोरेसिस में जहाँ जहाँ बॉडी में फोल्ड्स है वहां पे रैशेज बन जाएंगे और उसमें कोई स्केल नहीं फॉर्मेशन होगा जो कि स्मूथ रैश बन जाएंगे तो ऐसे कंडीशन को इनवर्स सोरेसिस कहेंगे और ये जो है ये इनके सिम्टम्स रहेंगे नेक्स्ट जो सोरेसिस का टाइप था वो था पोस्टुलर सोरेसिस अब इसमें क्या होगा तो जो भी फोड़ा बना है उसके अंदर पस फॉर्मेशन होगा तो यही इसका सबसे बड़ा सिम्टम है और लास्ट जो टाइप है वो है इरिथ्रोडर्मिक सोरेसिस तो इरिथ्रोडर्मिक सोरेसिस ये रेयर कंडीशन है अगर ये किसी को हो भी जाती है तो पूरे बॉडी पे रैशेस आ जाएंगे तो ये सबसे बड़ा इसका सिम्टम रहेगा तो ये कुछ बेसिक सिम्टम है टाइप वाइज नाउ कॉजिस ऑफ सोरेसिस एन ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम दैट क्रिएट्स इन्फ्लामेशन इन स्किन कॉजेज सोरेसिस जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि सोरेसिस ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के हेल्दी सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है तो ये क्यों होता है इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चला है कि हमारी इम्यून सिस्टम क्यों खुद के हेल्दी सेल को ही डिस्ट्रॉय करती है बट जो सोरेसिस है इसमें हेल्दी सेल डिस्ट्रॉय होते हैं जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम खुद के हेल्दी सेल को ही डिस्ट्रॉय करती है एंड हैंज इम्यून सिस्टम क्रिएट इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑन अ स्किन और इसी वजह से बॉडी पर रैशेज और स्वेलिंग आ जाती है तो ऐसे कंडीशन को हम सोरेसिस कहेंगे अब ये जो सोरेसिस है उसका कुछ चीज़ों से ट्रिगर मिल सकता है जैसे कि अल्कोहल है ओबेसिटी है कुछ मेडिसिन है तो जिस पर्सन को सोरेसिस है अगर किसी चीज़ों से उनको ट्रिगर मिलता है तो उन्होंने वो ट्रिगर ढूँढना है और उन चीज़ों से दूर रहना है बट इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशन से ही ये सोरेसिस होगा ठीक है तो ये हुआ इसका कॉज अभी हम इसका डायग्नोसिस देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन और पेशेंट के सिम्टम्स देख के हेल्थ केयर या डर्मेटोलॉजिस्ट सोरेसिस को डायग्नोस कर सकते हैं जो हेल्थ केयर होते हैं वो स्किन बायोप्सी ये एक टेस्ट होती है ये टेस्ट किसी पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं इसमें स्किन से स्मॉल सैंपल लिया जाता है फॉर एग्ज़ामिनेशन और जिससे पता करवा लिया जाता है कि पेशेंट को सोरेसिस हुआ है या फिर नहीं अभी हम इसके ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट से पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है बट इसका कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है ये परमानेंटली ठीक नहीं हो सकता है ये सोरेसिस तो इसके कुछ बेसिक ट्रीटमेंट है जिनसे टेम्पररी पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है तो डॉक्टर पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं जैसे कि स्टीरोइड क्रीम उससे पेशेंट को राहत मिलेगी कुछ मॉइस्चराइज़र होते हैं स्किन के ऊपर ड्राई स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए जिनसे पेशेंट को आराम मिलेगा नेक्स्ट है कुछ मेडिसिन है टू स्लो स्किन सेल प्रोडक्शन मतलब जो रैशेस होंगे उनके ऊपर जो स्केल्स प्रोड्यूस होंगे तो वो जो प्रोडक्शन का टाइम है वो कम हो जाएगा कुछ मेडिसिन से नेक्स्ट है मेडिकेटेड लोशंस और शैम्पूस कुछ लोशंस रिकमेंड कर सकते हैं विटामिन डी थ्री के कुछ टैबलेट्स होते हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं विटामिन ए बोल सकते हैं कंज्यूम करने के लिए तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको बोलेंगे ताकि जो भी सोरेसिस की कंडीशन है उसमें से थोड़ी राहत पेशेंट को मिल सकेगी नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन अगर सोरेसिस किसी को हुआ है कुछ सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं किसी पेशेंट में अगर उसने वो सिम्टम्स वो निग्लेक्ट करता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे कि सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है सोरेटिक आर्थराइटिस जिसमें जो जॉइंट्स रहेंगे बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पेन होगा तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर कोई सोरेसिस के सिम्टम्स निगलैक्ट करते हैं अगर उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकता है सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ ओबेसिटी हाई कोलेस्टेरॉल स्ट्रोक हार्ट अटैक अदर ऑटो इम्यून डिसीजेज़ तो इसके सोरेसिस के अलावा कुछ अदर ऑटो इम्यून डिसीजेज भी पेशेंट में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं नाउ अब ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में नहीं हो इसलिए पेशेंट ने क्या करना चाहिए तो हर एक पर्सन ने एक्चुअली डाइट जो है हमारा वो बैलेंस डाइट लेना चाहिए रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए रेस्ट करना चाहिए अगर कोई स्मोकिंग करता भी है तो स्मोकिंग की आदत उन्होंने बंद कर देनी चाहिए तो ये कुछ बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिनसे सोरेसिस के कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में नहीं होंगे नेक्स्ट है सोरेसिस ट्रिगर्स मतलब जो भी पेशेंट है सोरेसिस का उन्हें कुछ पर्टिकुलर कंडीशन से ट्रिगर मिल सकते हैं जैसे कि अगर वेदर में सडनली कोल्ड या फिर ड्राई कंडीशन आ जाने से पेशेंट का जो सोरेसिस है उसको ट्रिगर मिल सकता है उसे बहुत ज़्यादा इचिंग आ, हो सकती है वैसे कंडीशन में या फिर अगर स्मोकिंग कोई करता है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग से भी उसको ट्रिगर मिल सकता है अल्कोहल कंज्यूमशन से भी उसको ट्रिगर मिल सकता है कुछ पर्टिकुलर स्किन इन्फेक्शन होने से भी सोरेसिस को ट्रिगर मिल सकता है तो पर्सन वाइज ये डिपेंड है कि कौन से पर्सन को कौन से पेशेंट को किस चीज़ से ट्रिगर मिल सकता है तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक ट्रिगर्स दिए हैं सोरेसिस के लास्टली मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि पेशेंट से हर बार पूछे जाते हैं जो कि हो सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रिवेंशन का तो बहुत से पेशेंट डॉक्टर को पूछते हैं कि सोरेसिस जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है या नहीं उसे रोका जा सकता है या नहीं तो नहीं इसे नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है अगर किसी के बॉडी में इम्यून सिस्टम ही प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो उसे सोरेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सेकेंड जो है वो है सोरेसिस क्योर होगा या फिर नहीं तो मैंने पहले ही बोला है सोरेसिस अगर किसी को हो चुका है तो उसके ऊपर कोई क्योर नहीं है वो ठीक नहीं हो सकता है बट कुछ बेसिक ट्रीटमेंट से पेशेंट को राहत मिल सकती है तो ये क्यूर नहीं होगा और इसके ऊपर कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है तो यहां तक हुआ हमारा आज का वीडियो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू